बलिया जिले का ये घटना है, तो उनका ससुराल वही है। कोई मजाक कर दिया होगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने जगह पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाल ही में भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह के ऊपर हमला हुआ है। इस हमले की आग फैंस के अंदर बुती ही नहीं थी कि भले ही होली खत्म हो चुका हो, लेकिन पवन सिंह के फैंस में आक्रोश है। पवन सिंह पर बलिया में हमला किसने किया और क्यों किया, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पत्थर फेंकने वाला आखिर कौन सा वो आदमी है और इसके पीछे किसका हाथ है? वहीं दूसरे तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम आईडी पे फैंस जम के विरोध कर रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि बलिया थिएटर में आपकी चलती है, कहीं आपने तो पवन सिंह पर हमला नहीं करवाया? लेकिन फैंस का मानने का तरीका अलग अलग है। कोई कह रहा है कि खेसारी लाल यादव के फैंस थे, इस हमले के पीछे खेसारी लाल यादव का हाथ हो सकता है। कई लोगों का कहना है कि बलिया में पवन सिंह का ससुराल है और ये काम ज्योति सिंह ही करवा सकती है, लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई है। इसमें कितनी सच्चाई है शायद आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि पवन सिंह ने बहुत सारे जगहों पे स्टेज शो किए, लेकिन उन पर कहीं हमला नहीं हुआ। आखिर यह हमला बलिया में ही क्यों हुआ? अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे कि ढेरा मारा कौन है, कि करा मैं जो पता नहीं दिखा रहा क्या मारा था। बताइए, हद होता है, मैं बोलता नहीं हूँ यार, चुप ही रहता हूँ।